नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। क्या भाजपा में यादवों और मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है? क्या भाजपा मुसलमानों और यादवों के वोट बैंक को नहीं चाहती है? दरअसल ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात सामने आ रही है। भाजपा के बिहार भाजपा के नई कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें नए लोगों को जो है कमेटी में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इसमें यादव कोटे से केवल एक कमेटी के सदस्य को बनाया गया है, तो वही मुसलमान कोटे से कोई सदस्य नहीं है, जिसको देखकर के बातें साफ हैं कि भाजपा के लिए यादव और मुसलमान वोट बैंक पर कोई भरोसा नहीं है। बात यह भी सामने आ रही है कि सबसे ज्यादा जगह, सार्वधिक जो है जगह दी गई है, वो अति पिछड़े पिछड़ी आबादी को दी गई। उसी के साथ साथ सवर्णों को भी बहुत इसमें स्थान दिया गया है। इससे पहले हम आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सम्राट की नई टीम में हालांकि हर जाति के लोगों का ख्याल रखा गया है। सर्वाधिक फोकस पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों और सवर्णों पर है। कमेटी में सवर्णों को भी तरजीह दी गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बिरादरी से सिर्फ एक नाम है। अति पिछड़ी जाति से 8 लोगों को नई कमेटी में जगह मिली है। भूमिहार जाति से 5 लोग, जगन्नाथ ठाकुर, रीता शर्मा, संतोष रंजन, धीरेन्द्र कुमार सिंह और अरविंद शर्मा को नई कमेटी में स्थान मिला है। ब्राह्मण जाति से 6 लोग, मिथिलेश तिवारी, संतोष पाठक, राकेश तिवारी, दिलीप मिश्रा, ज्ञान प्रकाश ओझा और सरोज झा कमेटी में हैं। राजपूत जाति से राजेंद्र सिंह, नूतन सिंह, अमृता भूषण, त्रिविक्रम सिंह, आशुतोष शंकर सिंह, यानी 5 लोग हैं। कायस्थ समाज से सिर्फ राजेश वर्मा रखे गए हैं, यानी सवर्ण समाज से 17 लोग सम्राट की 38 सदस्यीय कमेटी में हैं। तो देखा आपने किस तरीके से बिहार भाजपा की नई कमेटी में, जो सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देशन में बनी है, उसमें किस तरीके से पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को तमाम जो है वो सदस्य की टीम में शामिल किया गया है। तो वहीं यादव कोटे से केवल एक सदस्य को शामिल किया गया है और मुसलमान कोटे से कोई भी नहीं है। अब बात करेंगे कि पुरानी कमेटी की तुलना में इस कमेटी में क्या अंतर है। इतना ही नहीं, पुरानी कमेटी के 80% लोगों की छुट्टी कर दी गई है। यानी बात करें तो 38 सदस्यीय टीम में केवल 6 ही ऐसे लोग हैं जिन लोगों को पुनः कमेटी में शामिल किया गया है। बाकी तमाम जो 32 लोग हैं, उन लोगों को कमेटी से बाहर कर दिया गया है। साफ साफ है कि सरकार कहीं ना कहीं पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। किन किन लोगों की छुट्टी हुई है और कौन कौन से लोग अभी भी उस कोर कमेटी में शामिल है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पुरानी टीम से सिर्फ 6 लोगों को नई कमेटी में रखा गया है। यानी पुरानी कमेटी के 80% नेताओं को इस बार मौका नहीं मिला है। पुरानी टीम के जिन 6 लोगों को नई कमेटी में जगह दी गई है, उनमें सिद्धार्थ शंभू को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। शंभू पुरानी समितियों में सचिव और उपाध्यक्ष रह चुके हैं। शीला प्रजापति भी प्रदेश मंत्री थीं, उन्हें अब उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश मंत्री रह चुकी अमृता भूषण को इस बार उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं राजेश वर्मा भी पुरानी कमेटी में थे, उन्हें अब महामंत्री बनाया गया है। मिथिलेश तिवारी पहले उपाध्यक्ष थे, अब उन्हें भी महामंत्री बनाया गया है। नई कमेटी में पुराने महामंत्रियों को जगह नहीं दी गई है। श्रीवेश राम, राजेश शर्मा, जगन्नाथ ठाकुर, मिथिलेश तिवारी और ललन मंडल को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई कमेटी में 5 महामंत्री, 12 उपाध्यक्ष, 12 प्रदेश मंत्री, 1 मुख्यालय प्रभारी, 2 सह प्रभारी, 1 कोषाध्यक्ष, 2 सह कोषाध्यक्ष, 1 कार्यालय मंत्री और 2 कार्यालय मंत्री बनाए गए हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से, बात करें तो जो भी 80% लोग थे उनकी छुट्टी कर दी गई है, नए समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। ये बात सभी जानते हैं कि भाजपा के कोर वोटर हमेशा अपर कास्ट के लोग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब कमेटी में परिवर्तन करके लोअर कास्ट के पिछड़ी अति पिछड़ी सवर्णों के वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। उसी के साथ साथ भाजपा कहीं ना कहीं यह बात समझ चुकी है कि यादव और मुसलमानों का वोट बैंक उनको नहीं मिलने जा रहा है,
जिसको लेकर के 38 सदस्यीय टीम में एक भी मुसलमान को सम्मिलित नहीं किया गया है। उसी के साथ साथ बात यादव कोटे से करें तो केवल एक ही व्यक्ति को 38 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की निगरानी में बनी नई टीम 2025 और 24 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा फैसला ले चुकी है। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।